किया लोटा डूब गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग जो होने वाला है, मैं जा रहा हूँ आज कंपार्ट का फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि मैं 12th में फेल हो गया था। कभी नाम 12th फेल रख दिया है और ये हमेशा के लिए नाम यही रहेगा। सो गाइस, चलिए क्या सीन होता है आज का कॉलेज में, तो देखते हैं गाइस। तो आप लोग ब्लॉग पर इन तक बने रहिएगा। सो गाइस, फॉर्म फाइनली मिल गया हम लोग, देख सकते हैं सब दोस्त लोग आया। सो गाइस, हम मिल गया, चलते हैं घर की तरफ। तो आप लोग ब्लॉग पर इन तक बने रहिएगा। मेरे हाथ में आप ये की देख रहे होंगे, ये की कोई कार का नहीं है, भले ये एक स्कूटी की चाबी है, लेकिन देख सकते हैं पूरा लुक ये कार की चाबी की तरह है। स्कूटियां है चोरा लील का नहीं। सो गाइस, देख सकते हैं ये मोहसिन ने लिया है न्यू एक्टिवा। इसका लुक देख सकते हैं आप लोग, काफी यूनिक तरीके से दिया है इसका, देख सकते हैं आप लोग। और देख सकते हैं इसका लॉकिंग सिस्टम काफी यूनिक है गाइस, इसको आप ऐसा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये जो आपको लॉक दिख रहा है की वाला, इसको जैसे ही आप दबाइएगा ना, यहाँ पे रेड लाइट जलेगा तो ये अनलॉक हो जाएगी। हम फीचर दे दिया है ना, कौन है क्या करना है, इसको स्टार्ट करो ना, देख सकते हैं गाइस। करना है तो पहले चाबी को ऑन करना है ऐसे, ये हो गया ऑन, उसके बाद ऐसा करके इसको कर देना है, ये हो गया स्टार्ट। पहले स्टैंड हटाना पड़ेगा। तो मतलब कितना में स्कूटी, कितना पड़ गया आपको? पड़ गया वही लगभग 1,10,000 रुपये। माइलेज कितना कर देती है? माइलेज लगभग 50 का माइलेज है भाई, एकदम टन टन टन। चलाने में कैसा फील आता है? से घूम के आ जाएंगे। चलाने में कैसा फील आता है? चलाने में तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, देखिए अकबका रहा है। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। आज मेरा भाई लोग जो है ना, नया घर का फाउंडेशन दे रहा है, तो आज वहाँ का भी ब्लॉग आएगा गाइस। तो आप लोग ब्लॉग पर इन तक बने रहिए। मैं अभी आ चुका हूँ अपने जहाँ पे मेरा नया घर बन रहा है, वहाँ पे आ चुका हूँ। देख सकते हैं आप लोग, अभी ईंटा गिर रहा है। ईंटा नहीं गिरने की वजह से काम रुका हुआ था गाइस। देख सकते हैं आप लोग कि इतना सब बन चुका है, पहले सेफ्टी टैंक है। सो गाइस, शुरू उसमें पूरा ये जो रॉड है ना, पूरा चिट्टी लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा धूप है, लेकिन ये जो पेड़ है ना, बहुत ही बढ़िया काम करता है छाया का, एकदम ठंडा महसूस होता है। सो गाइस, ईंटा नहीं गिरने की वजह से पूरा काम पेंडिंग हो गया था। आज मिस्त्री लोग भी छुट्टी ले लिया, लेकिन अब ईंटा गिर गया तो इसको सेकेंड हाफ से काम स्टार्ट करवाएंगे। तो जा रहे हैं, मिस्त्री लोग को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ईंटा गिर गया है, काम स्टार्ट कीजिए। तभी हम लोग वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे हमारा जमीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है, और यहाँ पे मेरे भाई लोग घर बनाने के लिए पूरा नेहू कोड़ रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितना ही बेहतरीन जगह यहाँ का नज़ारा है गाइस। जब पूरा डैम भर जाता है यहाँ तक, तो यहाँ से जो व्यू आता है ना गाइस, माँ कसम मजा ही आ जाता है। तो आपको दिखाएंगे गाइस बरसात के दिनों में कितना फीट गड्ढा कोड़वा रहे हैं। 5 फीट पूरा एरिया कितना है? 7 डिसमिल में घर बन रहा है, 60 डिसमिल जमीन है। हाँ, 7 डिसमिल में 3 डिसमिल में घर बन रहा है। 3 डिसमिल में घर बन रहा है। तो बोरिंग वोरिंग का कोई प्लान है? बिना बोरिंग में पानी का घर तो बन नहीं सकता, अधूरा रहेगा, इसलिए जरूरी है बोरिंग करना। तो गाइस, बोरिंग करना जरूरी है, लेकिन वहाँ पास में कुआं है, अगर नहीं भी किया जाए तो वहाँ से पानी आ सकता है, लेकिन दूसरा का है तो वो बोल भी सकता है कुछ ना कुछ। तो गाइस, देख सकते हैं वहाँ पे आपको सामने से थोड़ा सा झोपड़ी टाइप से दिख रहा होगा, वहाँ पे थोड़ा आराम करने के लिए, स्टे करने के लिए बनाया गया है। गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं कुआं से पानी निकालने के लिए जी, इस लोटा में यहाँ पे रस्सी बांधा हुआ है, यहाँ पे कुआं है, आप लोग को दिखाते हैं। तो वहीं पे जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से पानी निकालेंगे। अब देख, हाँ? हाँ, तैरने आता है तुमको? इधर कैमरा में देख के बोलो। हाँ। आप लोग यहाँ पे आराम से पानी निकल ही जाएगा।
पानी। तो गाइस देख सकते हैं पानी तो निकल गया, इसको फिर से एक बार डुबाते हैं गाइस, पूरा अच्छा से निकालेंगे, पूरा नहीं भरा है। गाइस गया लोटा, डूब गया, अभी पूरा रस्सी छूट गया हाथ से, अब इससे निकालते हैं, निकलता है तो लो पकड़ो कैमरा। हुँ। तो खैर निकल गया जी, तो पकड़ो अलमू निकाला है का जी ना। है ना। इधर देखो गाइस, इसका दांत देख रहे हैं। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं कि इतनी गर्मी में, इतनी कड़ी धूप में किसानों की कितना मेहनत रंग लाता है गाइस, आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इतनी कड़ी गर्मी में यहाँ पे कोई पानी का साधन नहीं है गाइस, लेकिन भी कितना बढ़िया सब्जी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पूरा ग्रीन ग्रीन हरा हरा, कितना मेहनत करता है किसान लोग और उसके जरिए हमारे तक पहुँचता है। तो किसान के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, देख सकते हैं आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ पे कोई पानी का साधन नहीं है, लेकिन बहुत ही मेहनतों मशक्कत करके यहाँ पे सब्जी उगाया जाता है, देख सकते हैं आप लोग। तो गाइस अब घर जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग बहुत ही सुंदर यहाँ, देख सकते हैं हरियाली नजर आ रहा है। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे, तो मिलता है किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत अमत है गाइस, अपना भाषा में बता दे रहे हैं, हम लोग खट्टा को अपना भाषा में अमत बोलते हैं, अमजिहुल।